जिया, ये आपने क्या किया? अरे हमने तो आपको अपना दोस्त माना था, लेकिन आपने दोस्ती में इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे विश्वास किया था हमने आप पर, लेकिन अब कोई भी हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। हमें अब भी आप पर विश्वास है शहजादे सलीम। अच्छा, तो अब आप लड़के की आवाज में भी बात करने लगी? हम बोल रहे हैं शहजादे सलीम। अब आप क्यों आए हैं यहाँ? शहजादे सलीम, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन यकीन मानिए हम और आप दोनों ही एक ही गलतफहमी के शिकार। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? आपने हमसे कहा था कि आप हमारी तन्हाई दूर करने के लिए हमें एक तोहफा देने वाले हैं। उसके बाद आपने ये जादुई तस्वीर हमें उस सेवक के हाथों द्वारा भिजवाई, और यही सच है। यादा सच है, हम आपको तोहफा देना चाहते थे, लेकिन हम आपके लिए एक किताब लाने वाले थे ताकि किताब के साथ आपकी तन्हाई दूर हो सके। तो फिर ये जादुई तस्वीर किसने दी? यही तो मसला है शहजादे सलीम, लेकिन अब हमने इस मसले को सुलझा दिया। शहजादे सलीम, हमने इस तस्वीर वाली लड़की का पता लगा लिया। ये आपकी दुश्मन, हमने इसके ठिकाने का भी पता लगा लिया। क्या कह रहे हैं आप ये? जी हाँ शहजादे सलीम, ये लड़की तस्वीर से नहीं बल्कि कहीं और से बाहर आती है, और ये कहां से बाहर आती है ये सिर्फ हमें पता है। कल सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आपको और जहां पना को सारी सच्चाई का पता चल जाए। शहजादे सलीम, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आज रात आप अपने कमरे में ना सोए, बल्कि वासु के कक्ष में जाकर आराम फरमाएं। ठीक है, चलते हैं। शब बखैर। तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत हैं आप, और तस्वीर से ज्यादा खतरनाक भी। बस अकल के मामले में थोड़ी सी कमी रह गई। ओहो, तो ये हैं वो खूनी तस्वीर की आत्मा। ये तो काफी खूबसूरत है, मतलब काफी खूंखार हैं, खतरनाक हैं। जी जापना, जितनी खतरनाक ये खुद हैं, उतना ही खतरनाक इनका फैलाया हुआ जाल है। दुश्मन देश की सबसे बेहतरीन अय्यार हैं ये। इन्होंने योजना बनाई थी कि पहले ये शहजादे सलीम को कत्ल के जुर्म में फंसाए, और फिर आप खुद शहजादे सलीम को मौत की सजा सुनाए और शहजादे सलीम के गम में डूब जाए, अपने राज्य से बेखबर हो जाए ताकि ये हमारे राज्य पर कब्जा कर सके। ये तो समझ में आया बीरबल, लेकिन ये तस्वीर का क्या खेल था? वो भी आपको हम बताते हैं जापना। आप तो जानते ही होंगे कि शहजादे सलीम के कमरे के दक्षिण दिशा में एक गलियारा है जो दोनों तरफ से बंद है। वहीं से इन्होंने शहजादे सलीम के कमरे तक का रास्ता बनाया। वो रास्ता एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। पर्दा हटने पर भी ऐसा लगता कि वहां एक दीवार ही है, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही एक चित्र कागज पर बनाकर वहां लगा दिया था।
जब भी शहजादे सलीम उस तस्वीर से बात करते तो उसी कागज की दीवार के पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुनती और फिर वही करती थी जो शहजादे सलीम कहते। और शहजादे सलीम को लगता कि जादुई है। जा पना, कल हम भी शहजादे सलीम के कमरे में गए थे और जानबूझकर हमने वही बातें की जो हम चाहते थे कि ये सुने। ये लड़की तस्वीर से नहीं बल्कि कहीं और से बाहर आती, और ये कहां से बाहर आती है ये सिर्फ हमें पता है। ये सारी बातें इन्होंने सुनी और हम पर हमला किया और नतीजा आपके सामने। लेकिन बीरबल जी, वो धुएं में आना और जाना, वो भी हम आपको बताते। वो ये इस गोली से करती थी। ये कई अजीब रसायनों के मिश्रण से बनी। इस गोली को अगर जमीन पर रखकर इस पर 4-5 पानी की बूंदे डाल दी जाए तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन हमें अच्छी तरह याद है बीरबल जी, जब ये आती थी तो इनके पास पानी नहीं होता था। शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। इस गोली को धुआं बनाने के लिए सिर्फ 4-5 पानी की बूंदे ही काफी थी। इतना पानी तो ये अपना दुपट्टा भिगो कर भी ला सकती थी। पर अफसोस जापना, अब ना दुपट्टा रहेगा और ना दुपट्टे वाली। कोशिश तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन मुआफी चाहेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाए। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। बीरबल, एक बार फिर हमें कहना पड़ेगा, जा बना आप हैं तो हम हैं। बादशाह अकबर के बगैर बीरबल कुछ भी नहीं। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।